सुनीत, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हुई हो। बल्कि जब भी आपने किसी काम से मुझे रोके, मैंने बगैर शिकायत किए वो काम छोड़ दिया। तो ये घर भी छोड़ दो। बहुत हो गया, कभी इसी वक्त तलाक दो मेरी बेटी को। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें इमाम का क्या कसूर है? मैं आपको तलाक नहीं दूंगा बाबा। दोगे तुम तलाक अभी इसी वक्त? मैं एक को नहीं, दोनों बेटियों को घर ले जाऊंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया मामा। नूर की असलियत उन लोगों को दिखानी जरूरी थी। वो लोग उसकी वजह से अजियत में थे। नूर ने अतिया खाला की गोद उजाड़ दी। उसको कुछ कहने की बजाय आपने उसकी फेवर की। नूर मैडम फारूकी के पैसे जाया करती रही और आपने उसे कुछ नहीं कहा। वो किसी को कुछ नहीं समझती, अपनी सास को सास नहीं समझती, और तो और वो आपको भी कुछ नहीं समझती मामू। नूर के लिए एमए सिर्फ दौलत की है। क्या बकवास किए जा रहे हो जुनेद? तुम्हारा उन लोगों से क्या वास्ता? चलो इमाम, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अब्बू, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। नूर के साथ जो कुछ होना तो हो गया, मैं खुद इससे खुला लेकर दूंगा तुमको। अब्बू, मेरी बात तो सुने प्लीज। आप मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाह रहे? अशरफ भाई, खुदा के वास्ते ऐसा मत करें। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। चलो इमाम, मैं इसीलिए तुम्हारी शादी इसके साथ करवाने के हक में नहीं था। मुझे पता था कि ये कोई ना कोई जलील हरकत जरूर करेगा। वो प्लीज मेरी बात तो सुने, आप मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे बर्बाद तो वो होता है जो आबाद होता है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है, किस तरह रखता है ये तुम्हें इस घर में। बस अभी चलो मेरे साथ, जाओ अपनी चादर लेकर आओ। भाई साहब जाओ। भाई साहब, खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप बैठे, पानी पिए। बस मैंने कुछ नहीं सुनना। हम बैठ के बात करते इस बारे में। लालची हो तुम लोग, हाँ लेकिन खून तो एक ही है ना। किसी को धोखा देना, किसी की मोहब्बत की तौहीन करना जुर्म ही गुनाह होता है। गुनाह इस पूरी चीज में मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ कसूरवार तो हम लोग हैं ना, हम लोग हैं कसूरवार जो तुम लोग को इतनी इज्जत दी, फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, हर ख्वाहिश पूरी की तुम्हारी, लेकिन हमें क्या मिला? इस कदर बेवफाई। साहिब, सुने साहिब, तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो जॉन और डॉक्टर के पास, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही? आप प्लीज चले मेरे साथ। अगर जाना है तो ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं बहुत थका हूं।
की पेन आपको पहली बार हुआ है क्या? नहीं जी, पहले भी हुआ है मुझे। तो आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया? मुझे लगा मामूली सा पेन है, नॉर्मली पेन किलर्स लेती थी तो ठीक हो जाता था, लेकिन इस दफा तो पेन किलर से भी ठीक नहीं हुआ। मुझे ये मामूली पेन नहीं लगता। डॉक्टर, कोई खतरे की बात है क्या? हो भी सकती है, लेकिन ये तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही मालूम होगा। आप किसके साथ आई हैं? ड्राइवर के साथ आई हूँ। आपके शौहर कहाँ है? जी वो काम की वजह से मसरूफ थे। मसरूफ हैं या आपको इग्नोर करने लगे हैं? एक्सक्यूज मी, अक्सर मिस कैरिज के बाद ऐसा होता है कि शौहर का रवैया बदल जाता है, लेकिन ये फितरी बात है। खैर, मैं आपको अल्ट्रासाउंड लिख देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मत कहो मुझे अम्मी, आज से तुम मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर गई हूं। अम्मी इस तरह जज्बाती तो मत हो। तो क्या करूं, क्या करूं मैं? जश्न मनाऊं, गली गली जाके तुम्हारे कारनामे सुनाऊं? बस नूर के इसलिए तुम लोगों को दिखाना बहुत जरूरी था। उसे कोताही हुई, मुझे ये सब बहुत पहले बता देना चाहिए था, अरसम और नूर की शादी से पहले, ताकि अरसम की जान बच जाती और उसके घर वालों को ये दिन ना देखना पड़ता। अब सही कह रही हूँ, नूर एक मुसीबत और वफाल है। वपाल थी वो तुम्हारे लिए, अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारी उससे जान छूटी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये घटिया हरकत करने की जरूरत क्या थी आखिर? हर औरत के साथ उसका माजी होता है, वो ससुराल जाने से पहले अपना माजी अपने मैके में दफन करके जाती है। वो नहीं चाहती कि उसका माजी दोहराया जाए, लेकिन तुमने नूर के मियाँ के सामने जाके उसका माजी खोल दिया। इतनी गिरी हुई हरकत की तुमने, ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे मामू की बेटी है, मेरी भतीजी है वो। न अपने मामू का लिहाज किया, न ही अपनी माँ का। क्या कर दिया तुमने, कभी सोचा तुमने? अभी आप इस तरह परेशान मत हो, आप बीमार हो जाएंगे। तुम इससे बात ही मत करो, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखती, चले जाओ यहाँ से। अम्मी अब मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, निकलो मेरे कमरे से। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश तो करें प्लीज। तुम जाते हो कब? मैं ही चली जाती हूँ। अब मेरी बात तो क्या हुआ डॉक्टर साहबा? मेरा शक ठीक निकला। क्या मतलब? आपको जो जहर पिलाया गया था उसके असरात अभी भी बाकी हैं। ये पेन मुझे उसकी वजह से हो रहा है? हाँ, उसने तुम्हारे अंदर जख्म बना दिया है। जख्म? हाँ, और मुझे डर है कहीं जख्म तुम्हारे अंदर कोई और शक्ल अख्तियार ना कर ले। हमें फॉरन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। किस टाइप का ट्रीटमेंट डॉक्टर? ऑपरेशन। ऑपरेशन? जी, आप अपने शौहर या सास साहिबा को साथ ले आए। डॉक्टर, अगर उन्हें ना बताया जाए तो? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, बताना जरूरी है। असल में प्लीज डॉक्टर, आप जरा समझने की कोशिश करें,
मैं उनको नहीं बता सकती। सॉरी। नूर, नूर, कहाँ गई थी वो? तुम्हें ये भी ख्याल नहीं कि तुम इद्दत में हो? कहाँ गई थी तुमसे पूछ रही हूं। अर्सुम की कब्र पर। जब तक इस घर में हो कोशिश करो कि मेरे सामने कम से कम आ। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती और तुम्हारी जबान पर अर्सुम का नाम भी नहीं आना चाहिए। यकीनन उसे उतनी ही तकलीफ हो रही होगी जितनी मुझे तुम्हें देखकर इस वक्त हो रही है। आंटी मेरा यकीन करें। कर लिया यकीन, कर लिया यकीन। तुम्हें ब्याह कर लाना इस घर में मेरी सबसे भयानक गलती थी। अतिया को ब्याह कर लाना आपकी गलती थी। जुनेद ने जो कुछ किया अतिया के कहने पर किया और अतिया के साथ तुमने जो कुछ किया वो किसके कहने पर किया? हाँ, जुनेद और अतिया झूठ बोल रहे हैं। जुनेद मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने उसे ठुकरा कर अर्सुम से शादी कर ली। फिर वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता था और अतिया ने उसे वरगलाया मेरे खिलाफ और उसे इस्तेमाल किया और उसे सब कुछ करवाया और मिलकर उन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। बस बस कर दो नूर, सुनना मुझे कुछ भी। तुम्हें जब तक यहां रहना अपने कमरे में रहो और मेरे सामने मत आना। अब जाओ यहां से और जाकर अपनी इज्जत के दिन पूरे करो। प्लीज मेरी बात सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। अशरफ, अशरफ आपने ये क्या किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे बताया तो है तुम्हें, मैं इमाम आपको हमेशा के लिए घर ले आया। मगर क्यों? जुनेद ने नूर का घर बर्बाद कर दिया। और आप दोनों बेटियों का घर बर्बाद करना चाहते? तो क्या जुनेद को जाकर मुबारकबाद दे के आता कि उसने बहुत जबरदस्त काम किया है? जुनेद ने हमें बेगम फारूकी के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। ठीक है, जुनेद ने गलत किया, बहुत गलत किया, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। बस शगुफ्ता बस, बहुत हो गई तुम्हारी तरफदारी। मैं इमाम के लिए जुनेद से तलाक लूंगा। अबू प्लीज, मैं इस तलाक के धब्बे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती अपनी। तो क्या तुम उस आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकती हो जिसने तुम्हारी सगी बहन का घर बर्बाद किया? मैं उसे अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। मैं सारी जिंदगी यहाँ पे रह के आपकी खिदमत करूंगी अब्बू, लेकिन मुझे तलाक मत दिलवाएं प्लीज। मेरे लिए जुनेद को किसी भी सूरत बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया है। अब्बू, मम्मी प्लीज अब्बू को समझाए मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे। नहीं, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा घर नहीं बर्बाद होता। मैं जुनेद को एक ना एक दिन ये बात मानने पर राजी कर लूंगी। वो गलती पर था, वो गलती पर है। हाँ बेटा, हाँ इंशाल्लाह। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तलाक नहीं चाहती। ये मेरी बच्ची,
रखी मेरी बच्ची। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि डॉक्टर ने क्या कहा, मेरी तबीयत कैसी है, और मुझे डर है कहीं जख्म तुम्हारे अंदर कोई और शक्ल अख्तियार ना कर ले। हमें फौरन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप अपने शौहर या सास साहिबा को साथ ले आए। साइम, साइम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मेरे लिए अब कोई बात जरूरी नहीं। आपने खाना क्यों नहीं खाया? तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना खाना। जिसकी खातिर आप ये सब कुछ कर रही हैं ना, उसको भी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं, ना माँ ना बाप ना पुप्पो ना खाबर, सिर्फ अपनी जात में जीती हो। तो फिर तुम्हें उसमें क्या दिलचस्पी है? कुछ नहीं, मुझे तो बस उसका असली चेहरा सबको दिखाना था। तुमने ऐसा क्यों किया जुनैद? एक औरत के माजी को बेनकाब क्यों किया तुमने? क्या तुम नहीं जानते हो कि इसका नतीजा क्या होगा? अरसम की डेथ का नहीं सोचा था मैंने। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा? छोड़े अम्मी, खाना खाया। मैंने कह दिया ना मुझे खाना नहीं खाना। प्लीज अपनी बच्चों की तरह जिद तो मत करें, खाना खा ले। हाँ हाँ, तुमने तो बड़ी जमा मर्दी दिखाई एक लड़की के माजी से पर्दा उठाकर। जरा भी शर्म होती तो डूब मरते। शर्म कहीं के। मुझे अभी भी तुम्हारे साथ हमदर्दी है। जुनैद ने जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया। मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जुनैद ने जो कुछ किया तुम्हारे कहने पर किया। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों करूंगी मैं ऐसा? क्यों? मैं बताती हूँ कि मुझसे बदला लेने के लिए। किस चीज का बदला? मैंने जो तुम्हें जूस पिलाया था, फिर खुद बेकसूर बन के तुम्हें कसूरवार ठहरा दिया था, उस चीज के लिए बदला? वो तुम्हारा घटियापन था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये मकफाते अमल है और मेरा अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ देने वाला है। मैं सबके सामने साबित करके रहूंगी कि जुनैद ने जो कुछ किया तुम्हारी वजह से किया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि ना मैं जुनैद से कभी मिली और ना ही मैंने कभी उससे फोन पर बात की। झूठ झूठ झूठ, मुझे तुम्हारी किसी भी झूठी कसम पे एतबार नहीं। लेकिन अम्मी और साइम को एतबार आ गया है कि जुनैद ने उनको जो कुछ कहा है वो सच है। नूर, अब तुम ज्यादा दिन इस घर में टिकने वाली नहीं हो। ठीक है,
लेकिन मैं इस घर से खाली हाथ ही निकलूंगी। मैं तुम्हारी तलाक करवा के निकलूंगी यहाँ से। मेरी तलाक हो या ना हो, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने पहले से ही मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है। तबाह तो मेरा सब कुछ हुआ। जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जुनैद ने जो कुछ किया तुम्हारे कहने पे किया। क्यों करूंगी मैं ऐसा? क्यों? मैं बताती हूँ कि मुझसे बदला लेने के लिए। किस चीज का बदला? मैंने जो तुम्हें जूस पिलाया था, फिर खुद बेकसूर बन के तुम्हें कसूरवार ठहरा दिया था, उस चीज के लिए बदला। नूर, अब तुम ज्यादा दिन इस घर में टिकने वाली नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इस घर से खाली हाथ ही निकलूंगी। मैं तुम्हारी तलाक करवा के निकलूंगी यहाँ से। किस कदर मक्कार है लड़की, मेरी खुशियों की खातिर, मेरे भाई की खातिर इसे तो एक मिनट घर में नहीं रखना चाहिए। न जाने अम्मी ने क्यों इसे घर में रखा हुआ है। अरसम की गाड़ी रिपेयर होके आ गई है, लेकिन मैं नूर की तरह उस गाड़ी को भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम परेशान मत हो, सोचती हूँ उसके बारे में भी कुछ। इद्दत पूरी हो गई तुम्हारी? जी। तुमने जो कुछ किया अपने साथ किया, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो किस्मत में लिखा था। जा सकती हो तुम, बाहर ड्राइवर खड़ा, गाड़ी भी। सायम, ड्राइवर से कहो नूर को उसके घर छोड़ा है। असम की गाड़ी तुम्हें कैसे पता कि सभी गाड़ी रिपेयर हो क्या हुई है? कनीज ने मुझे बताया था। तुम्हें चाहिए वो कार? जी, मेरी बहुत सी आदतें हैं रसम के साथ जो उस गाड़ी से जुड़ी हुई। रख। साइम, नूर के अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर करवा देना। जी अम्मा। और वो घर जो मैं अरसम के लिए बनवाया था, उसके पेपर्स भी नूर को दे देना। नहीं, घर के पेपर्स भी? हाँ।
तुम्हें अरसों के कमरे से कोई भी चीज चाहिए उठाकर ले जा सकती। मैं सिर्फ अपने कपड़े और ज्वेलरी लेके जाऊंगी। सारी वो चीजें जो अरसन ने मुझे गिफ्ट की थी, उनसे उनकी खुशबू भी आती है। तुम्हें जो ले जाना है ले जा, ताकि तुम्हारी कोई हसरत बाकी ना रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा, नूर ने इतना सब कुछ किया हमारे साथ, आपने फिर भी उसको सब कुछ दे दिया। साईं, वो मेरे बेटे की पसंद थी, जैसी भी मैं उसे खाली हाथ नहीं भेज सकती थी, नहीं भेज सकती खाली। चली गई है तुम्हारी भांजी इस घर से, लेकिन खाली हाथ नहीं गई, अपनी औकात से बहुत ज्यादा लेकर गई है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अरसन ने नूर को देखा तुम्हारी वजह से, उन दोनों की आपस में शादी हुई, वजह तुम बनी। कसूर सही है।
आप माने या ना माने, आपने अच्छा नहीं किया। 3 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, माँ अब हमारे घर में ही बैठी हुई। अगर जुनेद को ख्याल नहीं आया तो आप ही सफिया बहन का लिहाज कर लेते। बेटी वाले बेचारे तो बेटी का घर आबाद करने के लिए कई बहाने तलाश करते। अस्सलाम वालेकुम। अरे नूर बेटा, बैठो बेटा बैठो, कैसी हो? क्या हुआ है? वही जिस काम सबको इंतजार था। तो उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? अब जाहिर सी बात है, आपकी भांजे ने जो किया उसके बाद वो मुझे उस घर में रहने तो नहीं देते। आरतिया, उसकी फिक्र मत करें आप, वो मजे में है और मेरे वहां से निकल जाने का जश्न मना रही होगी। अपनी गलतियों का बोझ उस पर नहीं डालूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की और आप लोग फिक्र मत करें, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। नूर बेटी, तुम बेवा हो चुकी, ये जो कुछ भी हुआ उस पर तुम्हें जरा अफसोस नहीं? अफसोस किस बात का? ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था और फिर एक इंसान के चल बसने की वजह से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मैं आपकी जिंदा रहने की हिम्मत है, आप लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं। कैसे परेशान? दोनों बेटियां घर में आकर बैठ गई और बहन न जाने कब वो भी वापस आ जाए। वो नहीं आएंगी वापस, फिलहाल मेरा कमरा साफ कर। तुम्हारा कमरा मैं रोज साफ करती हूँ। मतलब कि आप रोज इंतजार करती थी कि मुझे उस घर से निकाल दिया जाए। अशरफ, आप क्यों परेशान हो रहे? उसे तो जरा मलाल नहीं है। क्यों नहीं होगा उसको भला? हम लोगों के एहसास से वो अपने आंसू छुपा रही है। बहुत बहादुर है मेरी बेटी। इतना गंदा है, पता नहीं अम्मी ने कौन सी सफाई की। तो घंटा गुजारना मुश्किल हो जाएगा, दिन हफ्ता महीना पता नहीं कैसे निकलेगा। मिट्टियां गंद लगा। मैडम फारूकी के पैसे और घर कब आएंगे? अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अच्छे से कहाँ रखूंगी कपड़े? तो कपड़े होते हैं, यहाँ रह रहे के तो मैं खुद मैली हूँ। आजमाइश में पहुंच गई। उसकी कारस्तानी देखो, क्या ड्रामा रचाया उसने कि सारा उबा जो है वो जुनेद पे आके पड़ गया। क्या हुआ अम्मी, क्या बात है? तुम्हारी खाला ने नूर को उस घर से निकलवाया है। नूर घर वापस आ गई है? तो बहुत गलत हुआ। हाँ हाँ, तुम्हें तो गलत ही लगेगा ना? तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है और तुम्हारी लाडली खाला ने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया। फिकर मत करो, मैं ज्यादा देर यहाँ टिकूंगी नहीं, अपने घर में जल्द शिफ्ट जाऊंगी। अपने घर? हाँ अपने घर। तुम्हें क्या लगा कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ अपने घर जाऊंगी? तुम्हारा इरादा क्या है? इरादों को छोड़े, फिलहाल मेरे कमरे में इतनी रेतें भरी हुई है, इतनी मिट्टियां भरी हुई है, उसको साफ करवाए। मैं गाड़ी से अपना सामान ला रही। गाड़ी? हाँ गाड़ी।
तुम्हारी तरह खाली हाथ नहीं आई थी।